Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another exciting vlog. So ये vlog है basically हमारी outing का, आपको outing का ही कह सकते हैं क्योंकि हम लोग तकरीबन वॉकेंड से बाहर गए थे कुछ explore करने के लिए. और वैसे हमारा खाने का plan था और option हमारे पास दो थे, या तो हम जाएंगे कियानी पे और या हम जाएंगे NFC पे. सो मेरी छोटी कज़न कह रही थी कि हमने खाना है पिज़्ज़ा, सो इसलिए हम लोगों ने इंतखाब किया NFC का. तो वॉक एंड से बाहर हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि वॉक एंड के अंदर कोई भी रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं होता है. सो हमें बाहर आना पड़ा और हम लोगों ने पकड़ा एक रिक्शा और पहुंच गए हैं जी टेक्सला चौक पे और टेक्सला की NFC ब्रांच में. अगर आप वॉक एंड से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको NFC का कैफ़े जो है वो मिल जाता है. बाहर से बिल्डिंग बहुत गंदी है, ज़रा भी प्यारी नहीं है. अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है. अंदर बैठने की जगह अच्छी है बस, और बट कोई साफ़ सफाई भी अंदर ही थी, सिर्फ कैफ़े के अंदर ही, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं था. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डील्स अवेलेबल हैं. इनका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त होता है, टेस्टी होता है, और टावर बर्गर भी ज़बरदस्त था. तो यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे रश नहीं था. अगर रश होता तो उन्होंने हमें ही देख के भाग जाना था. तो यहाँ पे मैं मेरी आवाम को कहती थी आप लोग जो है वो सेटल्ड हो जाएं एक साइड पे जहाँ पे अच्छी रोशनी आ रही हो, ताकि हमारी पिक्स भी अच्छी आ जाएं. फिर हमारा टाइम हो गया था कि मेन्यू डिसाइड करें. तो मेन्यू में मैं और मेरी आवाम ही इतनी ज़्यादा थे कि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डर करना था. फिर हम लोगों को एक डील नज़र आ ही गई जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा था और साथ हमारे पास डील वन थी जिसमें टावर बर्गर थे, और वो हम लोगों ने डबल ऑर्डर कर दी थी. यहाँ पे हम लोग खाने का वेट कर रहे थे और जो हमारी जिमल है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका फोकस कैचअप था, और बाकी आवाम खाने का वेट करते हुए कुछ भी करे जा रही थी. कोई भी हरकत हम जो भी बैठ के कर सकते थे हम लोग सारी ही कर रहे थे. तो यहाँ पे हम लोग जस्ट वेट एंड वॉच. बाकी कैफ़े का आप लोग डेकोर भी देख लें, अच्छा है, सुकून का माहौल है और रश भी नहीं था. अगर रश होता तो वैसे ही उसने भाग जाना था हमें ही देख के, क्योंकि नहीं कुछ भी नहीं. फिर आ जाते हैं हमारी डील की तरफ. हमारा जो पिज़्ज़ा है वो आ चुका है, चिकन टिक्का फ्लेवर है हमारे पिज़्ज़ा का. और फिर आ जाते हैं जी, हम लोगों ने साथ ही ऑर्डर किए थे टावर बर्गर और वो भी आ चुके हैं. टेस्ट मैं आपको थोड़ी देर तक बता देती हूँ. वैसे टेस्ट आपको वैसे ही मैं बता दूँ तो ये चिकन एक्सपर्ट कहते हैं ख़ुद को, चिकन एक्सपर्ट नहीं, पिज़्ज़ा एक्सपर्ट बोलते हैं ख़ुद को. तो पिज़्ज़ा इनका ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था. और रही बर्गर की बात, तो बर्गर भी हम सबको अच्छा लगा था, बस थोड़ा जूसी कम था, बाकी ज़बरदस्त था पिज़्ज़े का. टेस्ट के लिहाज से भी अच्छा था, और आप कह सकते हैं टेस्ट के लिहाज से भी अच्छा था, फ्लेवर के लिहाज से भी अच्छा था, और गरम गरम भी सर्व हुआ था, बाकी भी अच्छा था. और यहाँ पे मैं जी करके दे रही हूँ सबको उनका हिस्सा. ये थोड़ा काम स्लो हो रहा है इस वजह से क्योंकि जो पैन था काफ़ी ज़्यादा हीट अप था. तो यहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी सबको उसका हिस्सा देना. ये रही मेरी प्लेट जो कि मैंने खा ली, और इसके बाद बचे हुए कुछ पीसेस थे. और सारी आवाम मशगूल हो गई है खाने में, और यहाँ तो अब कोई बात भी नहीं कर रहा था एक दूसरे से. उसके बाद आ जाते हैं जब हमारा खाना फिनिश हुआ. वैसे ही हम लोगों ने घर पे जो है वो एक ऑर्डर लेके जाना था. तो आफ्टर हमारा खाना ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल देख सकते हैं. और इधर जो है वो सारे एक दूसरे से टिशू ही मांग रहे थे, तुम मुझे टिशू दे दो, तुम मुझे टिशू दे दो. और वो हमें इतने ज़्यादा टिशू ला के दे रहे थे कि उनका पूरे पैकेट खाली हो जाने थे, क्योंकि हम लोग खा के फ्री हो जाएंगे. यहाँ पे बिलिंग हमारी हो चुकी है और हम लोगों ने पैक भी करवा लिया है. और हमारी जिम्मे ने कुछ नहीं खाया सिवाय केचप के, उसका तो केचप फेवरेट ही हो गया था यहाँ का. फिर हम निकल पड़े हैं बाहर की तरफ. अगेन इनकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ज़रा भी प्यारी नहीं थी, कोई ख़ास जगह नहीं थी जिस पे हम लोग पिक्स बना सकें सिवाय कैफ़े के अंदर के. तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल पड़े के बाहर देखते हैं क्या मिलता है हमें, क्या मिलना था. गंदी सी बिल्डिंग थी नीचे, और उधर साथ ही डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स भी थे, मतलब बाकी स्ट्रीट फूड था सारा अवेलेबल. फिर हम आ चुके हैं जी बाहर, थोड़ा सा वेट कर लें आप. ये रही बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग देख ली.
और फिर मेरी जो छोटी हमारी जो छोटी जिमल है उसने कुछ नहीं खाया था, सो उसके लिए हम लोगों ने लिया यहाँ से फ्रूट अंगूर, वो शौक से खाती है। तो फिर मैंने एक बाबा जी ढूँढे कि आप हमें जो हैं वो ज़रा दो बैरियर तक ले जाएं। तो बाबा जी कहते हैं बैठो सारी आवाम, तो हम लोग सारी आवाम जो है वो रक्षे पे बैठ चुके हैं, तो ये हमें बैरियर तक ही लेके जाएंगे क्योंकि अंदर बैरियर के रिक्शा अलाउ नहीं है, तो ये हमें बाहर ही फेंक देंगे और हमें अंदर खुद जाना पड़ेगा। सो फिर आपको मैं दिखाती हूँ अपना प्यारा सा वॉकेंट, क्योंकि ये तो टेक्सला है और टेक्सला बहुत ही गंदा है, इसका तो 0% मुकाबला भी नहीं है वॉकेंट से। मेरा शहर है जी वॉकेंट, आई एम फ्रॉम वॉकेंट। तो ये रहा वॉकेंट बैरियर नंबर 2, और अंदर एंटर होने के लिए एक ही मसला होता है, हम तो वॉकेंट के हैं इसलिए हम लोगों को एंटर होने देते हैं हमारा एक ही NIC पे, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी साथ हो तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे मेरी कज़न्स थी साथ, तो वैसे मेरी सिस्टर के पास था NIC, तो हम लोगों ने एक ही दिखाया और मैंने अंकल को बोला ये सारी आवाम हम एक ही घर से हैं, तो अंकल कहते हैं बेटा आप जाएं, तो सारी आवाम को जो है वो अंकल ने जाने दिया था। सो वॉकेंट के अंदर एंटर होते ही हम आपको प्यारा सा वॉकेंट नज़र आएगा और उसके बाद हमारी मस्तियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको मैं दिखाती हूँ हमारी मेरी छोटी सी लिटिल बिल भतीजी कह रही है बाय बाय, तो यहाँ पे हम लोग अपना व्लॉग भी जो है वो एंड करेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।